भगवान महावीर की अंतिम देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र और उसका 33वां अध्ययन 33 कुल मिला के 36 अध्ययन और हम लोग ऐसे ही जो खुल जाए वो अध्ययन कर लेते हैं ऐसा लगता है तुम्हें, जो पेज खुल गया वो अध्ययन अगला शुरू कर देंगे ऐसा लगता है तुम्हें। पहले हुआ सम्यक पराक्रम, सम्यक पराक्रम करने के बाद हमें पता चला कि सम्यक पराक्रम चतुरंगीय में ही संभव है, यानी चार दुर्लभ अंगों की घोषणा करते हुए हमने देखा कि जहाँ ये चार अंग है वहीं सम्यक पराक्रम होता है और जहाँ सम्यक पराक्रम होता है तो तीसरा कौन सा किया हमने, वहाँ मोक्ष मार्ग में गति होती है और जब मोक्ष मार्ग में गति होती है तो उसका परिणाम क्या होता है, कर्म प्रकृति का विनाश होता है। ये पराक्रम चल रहा है, मैंने सोचा नहीं था पहले से, सम्यक पराक्रम शुरू करने से पहले नहीं सोचा था, लेकिन अब देख रही हूँ तो कितना डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंगली सब कुछ चल रहा है। पहले तुम्हें सम्यक पराक्रम करने के लिए उकसाया 1-1.5 साल तक लगता, उसके बाद तुम्हें महिमा बताई, ये सम्यक पराक्रम खाली इस मनुष्य जीवन में ही संभव है और कहीं संभव है ही नहीं, और जैसे ही ये सम्यक पराक्रम होगा तो मोक्ष मार्ग में गति होगी और मोक्ष मार्ग में गति होगी तो कर्म की गति सारी विनाश हो पाएगी। किसी अपेक्षा से मोक्ष का जब हम वर्णन करते हैं, मोक्ष की जब हम परिभाषा करते हैं तो उस परिभाषा में ऐसा भी कहा जाता है, अलग अलग परिभाषाएं हैं, कोई कहता है कि ऊपर सतशिला में जाके बैठ जाना, कोई कहता है अपने निजानंद में अनंत अनंत काल के लिए स्थिर हो जाना, लेकिन किसी अपेक्षा से मोक्ष की एक और परिभाषा है और वो है मोहनीय कर्म का क्षय हो जाना। मोहनीय का क्षय होना और मोहनीय बताया था इसमें राजा है सबसे महत्वपूर्ण, वही है राजा मरा बाजीराव गया तो उसके बाद पूरी सेना लड़ी, सेना वापस चली गई, बाजीराव मरा तो सेना का कोई काम नहीं आ। इसी प्रकार यहाँ मोहनीय कर्म है, बाजीराव है, ये राजा है और इस मोहनीय कर्म ने ही हमारे मोक्ष का क्षय कर रखा है और इसी प्रकार जैसे ये मोहनीय कर्म जाता जाएगा उसके साथ साथ बाकी के विज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय ये सारे कर्म भी जाएंगे। जैन दर्शन के अंदर कर्म को बहुत 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 सूक्ष्मता से समझाया गया है। कोई भी धार्मिक दर्शन होगा तो कर्म शब्द का उपयोग किए बिना नहीं रह सकता। कर्म शब्द का उपयोग चाहे जैन दर्शन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे चार्वाक हो, चाहे मीमांसक हो, हर दर्शन कर्म शब्द का उपयोग करेगा, लेकिन जितनी गहराई से, जितनी गंभीरता से, जितनी गहनता के साथ कर्म की पूरी पद्धति और प्रणाली को जैन दर्शन ने खोला है ऐसा कहीं और मेरे पढ़ने में नहीं आया, मैं इतना ही कहूँगी। नहीं है ऐसा कहकर मैं कोई स्टैम्प नहीं मारना चाहती, लेकिन मैंने जितने दर्शनों का अभ्यास किया उसमें इतनी सूक्ष्म मीमांसा, इतनी सूक्ष्म विचारणा और किसी दर्शन के अंदर अभी पढ़ने में नहीं आती। कर्म का संबंध अधिक से अधिक अपने भावों के साथ है, जबकि धोखा ये होता है कर्म यानी कुछ करना। हम क्रिया को कर्म मानते हैं लेकिन जैन दर्शन ने उससे गूढ़ बात की, क्रिया मात्र क्रिया जो है वो कर्म नहीं है, क्रिया के साथ तुम्हारा भाव क्या है वो तुम्हारे कर्म का निर्णायक होगा, वो निर्णय करेगा कि तुम्हें किस जाति का कर्म बांधना है। कोई डॉक्टर है छुरी वगैरह हाथ में लेकर पेशेंट को काटता है बेहोश करता है, सुइयां लगाता है, काटता है और ऑपरेशन के दरमियान आयुष्य कर्म खत्म हो जाने से, अब तो ऐसा ही कहेंगे हम, आयु कर्म खत्म हो जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर को किस जाति का कर्म लगेगा, किस जाति का, 8 ही जाति के कर्म है, इधर ले आओ उसको।
आठ ही जाति के कर्म है, इसमें डॉक्टर को किस जाति का कर्म लगेगा हम देखेंगे। फिर दूसरी तरफ एक बच्चा है, वह चक्कू से खेल रहा है। चक्कू से खेलते खेलते बच्चा चक्कू से खेल रहा है और चक्कू से खेलते खेलते किसी के पैर पर चक्कू लग गया, अब उसको किस जाति का कर्म लगेगा? तो तीसरी तरफ देखो, क्रिया एक ही हो रही है, चक्कू के माध्यम से सामने वाले को तकलीफ पहुंचाना, उसके मृत्यु की तरफ जाना, लेकिन हर बार कर्म बंध अलग अलग ढंग से होगा। तीसरा है, कोई व्यक्ति इतने क्रोध में है कि चक्कू उठाकर मारने ही जा रहा है, इसको कर्म का बंध अलग ढंग से लगेगा। भले मारा नहीं, डॉक्टर के हाथों से मर गया, लेकिन उसको कर्म जो लगेगा वो हल्की जाति का, बड़ा ही निम्न जघन्य, बड़ा ही कहते हैं ना जिसे, एकदम लाइट कर्म का बंध होगा, जो ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। लेकिन एक है जो हिंसा के भाव से भरा है, खून करने जाना चाहता है लेकिन वापस लौट आता है, नहीं कर पाता किसी भी सामाजिक कारण से, पारिवारिक कारण से, अब इसको कर्म जो लगेगा अलग ढंग से। एक ने मारा तो भी हल्का कर्म, एक ने नहीं मारा तो भी बड़ा प्रगाढ़ कर्म। तो ये कर्म का संबंध क्रिया से कम है और कर्म का संबंध भाव से ज़्यादा है। जैन शास्त्रों में प्रसन्न चंद्र राजर्षि की बड़ी ही प्रचलित कथा आती है, जो कर्म के संबंध में यदि ना कही जाए तो ऐसा लगेगा कि हमने कर्म प्रकृति अधूरी छोड़ी। वैसे तुम सबने सुनी होगी कहीं ना कहीं, प्रसन्न चंद्र राजर्षि की कहानी मैंने भी सालों पहले सुनाई है, लेकिन कर्म प्रकृति के एंगल से यदि उसकी बात एक बार ना उठाए तो मुझे लगेगा मैंने पूरी बात नहीं की। हुआ ऐसा कि भगवान महावीर की देशना के लिए श्रेणिक महाराज भगवान महावीर के पास आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक मुनि को साधना करते देखा, एक पैर पर खड़े हैं, दोनों हाथ ऊपर है और बिल्कुल साधना में लीन है, चेहरे पर साधना का तेज झलक रहा है, सब कुछ है। कौन? मुनि है, साधना में है, एक पैर पर साधना कर रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा रखे, पनिशमेंट नहीं दी किसी ने, साधना का अपना ही अलग अलग सोपान होते हैं, तो ऐसी कोई साधना ली है, दोनों हाथ ऊपर है और चेहरा भी एकदम स्थिर। चेहरा देख के पता चल जाता है ना कि स्थिर है अंदर विचार, कि फिर अंदर अंदर कुछ चल रहा है, एकदम स्थिर। और ऐसे में इनके दर्शन करते हैं श्रेणिक राजा और भगवान महावीर की सभा में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके पूछते हैं, भगवान ये प्रसन्न चंद्र राजर्षि, ये राजा थे, श्रेणिक राजा उन्हें जानते थे, ये प्रसन्न चंद्र राजा जो बाहर मुनि वेश के अंदर साधना कर रहे हैं, इनके चेहरे पर कितनी रौनक है और तपस्या भी कितनी कठिन कर रहे हैं, एक पैर पर खड़े हैं, दोनों हाथ ऊपर है, अगर ये इस समय इनका आयुष्य कर्म टूटे यानी खत्म हो तो इस समय ये कहाँ जाएंगे? और भगवान महावीर ने सहज भाव से कहा, सातवीं नरक में, सबसे नीचे जो नरक है ये उसके अंदर जाएंगे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि मैं इनकी बात कर रहा हूं, शायद भगवान को, श्रेणिक महाराजा थे अभी तो छद्मस्थ है, तो शायद भगवान को समझने में कंफ्यूजन हुआ हो, तो वापस पीछे मुड़कर देखते और वापस कहते हैं, भगवान ये तो कितने घोर तप के अंदर हैं, इस घोर तप में इनके चेहरे का रंग भी कुछ अलग दिखा मैंने, इस समय यह मृत्यु को प्राप्त हो तो कहाँ जाए? भगवान ने कहा छठे नरक में। फिर आश्चर्य में कि जो इतनी साधना में है वो छठे नरक में जाएंगे तो हम जैसे, अब ये तकलीफ हुई कि हम जैसे कहाँ जाएंगे? और श्रेणिक पर तो वो खून सवार था ना, खून का आरोप था उनके ऊपर, तो हिरणी को मार दिया था, तुम्हें पता है कि नहीं, श्रेणिक ने एक हिरणी का, जब वो भगवान महावीर को समर्पित नहीं हुए थे उससे पहले शिकार करते थे, अहिंसा में नहीं मानते थे, हिंसा करते थे, तो एक हिरणी का शिकार किया और वो हिरणी उस समय पेट में बच्चे को लिए हुए थी, तो एक ही शिकार जब उन्होंने किया तो हिरणी का उसी समय बच्चा पैदा हुआ, लेकिन दोनों ही मर गए। तो श्रेणिक ने बड़ा आह्लाद मनाया, खुश हुए कि वाह, मेरे एक तीर से दो दो प्राणियों की का शिकार मैंने किया, और वही जो उन्होंने हिंसा करके आनंद मनाया, सीधा सातवीं नरक का
आयुष्य। फिर तो वो वंदना करके तीसरी नरक तक पहुंच गए, लेकिन इस प्रकार नरक का आयुष्य है। आगामी 24 के अंदर प्रथम तीर्थंकर रूप में आएंगे, लेकिन अभी कहाँ बैठे हैं? तो कहते हैं अभी तो नरक के अंदर, अभी तीसरी नरक के अंदर, सातवीं में। फिर वापस उन्होंने पूछा कि भगवान ये कहाँ जाएंगे, इतनी साधना में है ये कहाँ जाएंगे? अब भगवान ने कहा पांचवी नरक में। फिर पूछा भगवान कहाँ, तो ऐसे क्रम बढ़ते बढ़ते अब देवलोक में जाएंगे। फिर पूछा आप कहाँ जाएंगे, तो अनुत्तर विमान में जाएंगे। और अभी तो भगवान बात कर रहे हैं ऊपर ऊपर की, तभी देव दुंदुभी बजी, आकाश में एक गर्जना हुई और भगवान से पूछा श्रेणिक ने कि भगवान ये गर्जना क्यों हुई, तो बोले प्रसन्न चंद्र जी को केवल ज्ञान हो गया। 2 मिनट के अंदर अंदर ये सारा खेल हुआ, 2 मिनट के अंदर केवल ज्ञान। तुम कहते हो सम्यक दर्शन, मैं कहती हूँ 2 मिनट में केवल ज्ञान तक का कार्य निपट गया। इतनी तीव्र मुनि दशा तो थी, बस थोड़ी छलांग आगे लगानी थी। अब श्रेणी कुल जाए कि अब भगवान इसको क्या समझे। 2 मिनट पहले आपने कहा सातवीं नरक में, 2 मिनट के अंदर अंदर आपने उन्हें ऊंचे से ऊंचे देवलोक तक पहुंचाया, और थोड़ी ही देर में देवों ने घोषणा कर दी और उनका उत्सव मनाने आ गए। देवलोक तो खाली बैठे ही होते हैं, तुम जरा सम्यक दर्शन लो तो आ जाएंगे, आओ आओ चलो सब लोग पार्टी मनाने। तुम लोग कभी लेके देखो, तुम्हें पता चले कि सब देव प्रतीक्षा में होते हैं। केवल ज्ञान नहीं होता, अभी तो ना हो, तुम्हें सम्यक दर्शन भी होगा ना, तो भी आ जाएंगे उत्सव मनाने, नाचते गाते ढोल नगाड़े तुम्हें कहाँ से सुनाई देंगे। ध्यान की भाषा में उसे अनाहत नाथ कहते हैं, लेकिन भक्ति की भाषा में उसे देवों का उत्सव कहते हैं। ध्यान की भाषा में जिसे तुम अनाहत नाद कहते हो, अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है, उसे भक्ति की भाषा में हम लोगों ने तो देवों का उत्सव माना है, वैसे समझा है, वैसा अनुभव किया है। तो अब श्रेणिक कंफ्यूज हो गए कि भगवान ये माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है, इसको जरा स्पष्ट करें, क्योंकि ये तो अब गड़बड़ हो गई। 2 मिनट में अभी आप कहते हो नरक में और अभी केवल ज्ञान। तब भगवान ने इस बात को क्लियर किया जो वैसे भगवती सूत्र के अंदर बहुत इलैबोरेशन में है, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत तो करेंगे, कि सारा खेल भाव का है। श्रेणिक जब तुम वहां से यहाँ आ रहे थे तो ऑब्वियस है कि राजा चल रहा है तो अकेला तो आ नहीं रहा होगा, उनके साथ उनका मंत्रीगण, उनके साथ सैन्यगण, हर कोई आ रहे थे। तो तुम्हारे ही 2 सैनिक थे, सुमुख और दुमुख करके नाम थे उनके, सुमुख दुमुख करके 2 सैनिक थे। उन्होंने प्रसन्न चंद्र राजर्षि का जो राज्य है वो उनके मंत्री हड़पने का प्लानिंग कर रहे हैं, ये बात करते करते आ रहे थे, और वह बात प्रसन्न चंद्र राजर्षि के कान में पड़ी। दिख रहे हैं साधना में, लेकिन कान थोड़ी बंद हो जाते हैं साधना में, केवल तुम्हारी आंखें बंद होती है, बाकी कान नाक मुंह स्पर्श सब कुछ चल ही रहा होता है। तो तब उनके मुंह से ये जो श्रवण किया, इन्होंने सुना कि मेरे पुत्र को मैं राज्य सौंप के आया था और मंत्री के भरोसे सौंपा था, लेकिन उस मंत्री ने ही षड्यंत्र से अब पूरा राज्य हड़पने का प्लानिंग कर लिया है। ये बात सुनते ही उनको इतना आक्रोश आया, दोनों हाथ ऊपर थे तो मनोमन कल्पना की कि इन सारे शस्त्रों से मैं उसका वध कर रहा हूँ, ये वध कर रहा हूँ उसकी भावना से सातवें नरक का आयुष्य। फिर थोड़े मानसिक, जो भी मानसिक शस्त्र उन्होंने इकट्ठे किए थे वो शस्त्र कम हुए, मानसिक शस्त्र, हाथों में कोई शस्त्र नहीं है, नो वेपन्स, लेकिन मन के अंदर जो शस्त्र इकट्ठे हुए थे थोड़े कम किए, और वो थोड़े कम हुए तो नरक छठी, थोड़े और कम हुए कि अब तो इतनों को मार डाला, बस 1-2 को मारूं और ऊपर आए। फिर सारे शस्त्र खत्म हो गए तो उन्होंने अपने सिर पर हाथ लिया कि अब मुकुट लेकर, इस मुकुट से मैं अपने इस दुश्मन मित्र का सर्वनाश कर डालूंगा। और जैसे ही मुकुट लेने के लिए हाथ सिर के ऊपर गए तो यहाँ पर तो क्या था, मुंडन था, मुंडन था, यहाँ पर तो लॉच किया हुआ सिर था। जैसे ही उस पर हाथ गया अचानक सजग हो गए, तुरंत क्षमापना करनी शुरू की, नरक के आयुष्य टूटते गए और देवलोक के आयुष्य। क्षमापना करने से कम देवलोक के आयुष्य तो तुम्हारे बंधने शुरू हुए। उसके बाद और प्रगाढ़ भाव से क्षमापना, और प्रायश्चित, और अधिक खेद करते 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 अचानक मैं तो मात्र ज्ञान स्वभाव हूँ, मेरे में तो कोई ना आता है ना जाता है, मेरा तो न कोई अपना है ना पराया है, जो अपना है वो केवल
मेरा शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, उस स्वभाव की रमणता करते करते बस केवल ज्ञान हो गया। दो मिनट के अंदर कहाँ थे और कहाँ, कोई प्रवचन नहीं हुआ, कोई भक्ति का प्रोग्राम नहीं हुआ, कोई स्वराज क्रिया नहीं की, कोई ध्यान नहीं किया, लेकिन बस भावों की शुद्धि इतनी होती गई, उससे जितने भी कर्मों की बेड़ियाँ थी वो सारी बेड़ियाँ टूटती गई। हम लोग भी यही देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे कौन से भाव कौन सा कर्म बांधते हैं। कर्म प्रकृति के अंदर हमें मुख्य रूप से यही समझना है, क्योंकि हम जानते या अनजाने, जानबूझकर या अनजाने, हम ऐसे ऐसे कार्य कर देते हैं जो हमारे इन कर्मों के खाते के अंदर और नए नए क्रेडिट्स डालते ही रहते हैं। लेकिन जरा तुम्हें समझ होगी तो तुम कर्म करने के समय उसके विचारों के प्रति संभल जाओगे कि नहीं। जरा यहाँ अभी डेटा मिल जाएगा सारा कि ज्ञानावरणीय कर्म किससे बनता है, दर्शनावरणीय क्यों बनता है, मोनीय कैसे बनता है और परिणाम में कैसे आता है, फल उसका कैसे आता है, ये सब तुम्हें समझ में आएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। जब तुम वह जाति का कर्म करोगे तो अपने परिणामों को चेक करोगे, हाँ कि नहीं। इसलिए इस अध्ययन के अंदर, ये कर्म प्रकृति नाम के अध्ययन के अंदर वैसे तो 25 ही श्लोक है, ज़्यादा नहीं है, और वो 25 श्लोक का विभाजन भी मुख्य रूप से उनके प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग और स्थिति के अनुसार किया है, लेकिन हम उसे थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा एक बार विषय चेक कर लो इसके अंदर। पहला जो श्लोक है, पहली गाथा, वो तो मात्र प्रस्तावना है कि हम क्या कहने जा रहे हैं। मैं अनुपूर्वी के से क्रम अनुसार, पूर्वानुपूर्वी से, हमने पिछली बार बात कर ली थी कि आगे से पीछे 1, 2, 3, 4 के क्रम से 8 कर्मों का निरूपण करूंगा जिनसे बंधा हुआ यह जीव संसार में परिवर्तन करता है। दूसरा और तीसरे गाथा के अंदर हमने देखा 8 कर्मों के नाम थे और उनका क्रम जो है वो इस प्रकार, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इस प्रकार से इनका क्रम दिया है। उसके बाद चौथी से लेके 15वीं गाथा तक कर्म बंध जब होता है, जब भी किसी, कोई भी व्यक्ति कर्म का बंध करता है तो कर्म बंध 4 ढंग से होता है। जैसे ही वो कर्म का बंध करता है एक साथ 4 चीजों का निर्णय हो जाता है। पहला कि उसकी प्रकृति क्या होगी, ज्ञानावरणीय के खाते में मुख्य रूप से डालेंगे, गौण तो सब में जाएगा, दर्शनावरणीय में जाएगा, नाम कर्म में जाएगा, आयुष्य कर्म में जाएगा, वेदनीय कर्म में जाएगा। सबसे पहले उसकी प्रकृति का निर्णय होता है। जिस क्षण आत्मा में, तुम में, आत्मा में नहीं, तुम्हारे मन में राग और द्वेष की कल्पना हुई, उसी क्षण वातावरण में से, इस आकाश प्रदेश में से तुम कर्म वर्गणा के पुद्गल खींचकर उसको अपनी आत्मा के ऊपर, जो भी कार्मण लेयर है उस पर लाके चिपका देते हो। आत्मा पर नहीं चिपकता, हमने बात लास्ट टाइम भी देखी थी, कर्म कर्म से चिपकता है। जैसे रस्सी की डोर गांठ एक सिरा दूसरे सिरे से बंधेगा, वैसे ही कर्म कर्म से ही बंधेगा, कर्म आत्मा से नहीं बनता। लेकिन जब तुम्हारे मन में राग द्वेष का परिणाम होता है, मोह का परिणाम होता है, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का परिणाम यानी भाव होता है, वैसे ही कर्म वर्गणा के पुद्गल खींचता है और कर्म लेयर के ऊपर लाकर चिपका देता है। तो सबसे पहले तुम जिस क्षण कर्म बांधते हो तत्क्षण उसकी प्रकृति तय हो जाती है, इसको कौन से कर्म में डालना है। तुमने उठा के इस किताब को यूं फेंक दिया नीचे, ध्यान नहीं रखा, और इस किताब को या ध्यान रखा, गुस्से में फेंक दिया या ध्यान नहीं रखा, जानबूझकर फेंका या अनजाने में फेंका। कर्म कहते हैं हम तो जड़ है, हमें नहीं पता चलता। तुम जानबूझकर आग में हाथ डालो या अनजाने में आग में हाथ डालो, अग्नि क्या कहेगी, तुमने अनजाने डाला तो नहीं जलाऊंगी भाई तुम्हें, ऐसा कहेगी। इसी प्रकार कर्म प्रकृति भी जड़ है, वो कहती है तुम जानबूझकर कर्म करते हो, उठा के इस किताब को फेंकते हो, या अनजाने तुम कर्म बंद करते हो, अनजाने तुम इस किताब को फेंकते हो, लेकिन हाथ तो उतना ही चलेगा, कर्म बंद तो तुम्हारा उतना ही होगा। तो सबसे पहले उसकी प्रकृति का बंद होता है, वो प्रकृति बंद इन्होंने पूरा समझाया है 4th से लेकर
15 और 16 नंबर में भी थोड़ा है, इतने श्लोक तक। उसके बाद प्रदेश बंध नक्की होता है, कितने प्रदेश के अंदर ये कर्म बांधा तो इसको कितने प्रदेश को रोकेगा। तुम्हारे को दर्द होता है तो पूरे शरीर में नहीं हो रहा, केवल घुटनों में दर्द हो रहा है, यानी कर्म का उदय आया लेकिन उसने घुटने जितना प्रदेश घेरा। प्रदेश मतलब एरिया, प्रदेश मतलब स्पेस, उतना एरिया केवल घुटने जितना। आजकल जिसको चिकनगुनिया हो जाता है सभी कुछ उसका अंग अंग दुखता रहता है, यानी जब कर्म बांधा था तो प्रकृति का तो निर्णय हुआ कि वेदनिया में जाएगा, वो वेदना तकलीफ खूब हो रही है, लेकिन साथ साथ में कौन सा अंग पकड़ेगा उसका भी निर्णय हो जाता है। तीसरा उसका अनुभाग, ये जो प्रदेश बंध है वो इन लोगों ने 16, 17, 18 तक इन्होंने प्रदेश बंध दिया। तीन गाथा के अंदर इन्होंने प्रदेश बंध की बात की। फिर 19वें और 20वें और 21 और 22 और 23 तक इन्होंने उसकी स्थिति की बात की। कोई भी कर्म बंधता है तो वो कितने समय बाद उदय में आएगा उस स्थिति की बात कर देते हैं। तुमने बांधा तो अभी, किताब तो अभी गिराई, शास्त्र को तो अभी धक्का पहुंचाया, लेकिन इस अविनय का परिणाम कब आएगा? जघन्य और उत्कृष्ट, यानी मिनिमम हो तो 2 सेकंड के बाद भी आ सकता है, और मैक्सिमम हो तो 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, यानी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए मात्र इतना रखे 30x30 crores ईयर्स के बाद, और कोई कर्म का उदय 30x30 crore ईयर के बाद आएगा, इसका मतलब क्या है? इतना समय तो तुम्हें परिवर्तन करना ही पड़ेगा, इतना समय तो तुम्हें इस परिभ्रमण में रहना ही पड़ेगा। तो जिस क्षण तुमने कर्म बांधा उस क्षण सबसे पहले क्या निर्णय होता है? प्रकृति क्या है, ये इन्होंने बताया है 4th से लेकर 16वें गाथा तक। उसके बाद वो कितने भाग को रोकेगा, कितने प्लेस को, कितने स्पेस को, कितनी जगह को घेरेगा, उसका निर्णय के लिए 16, 17, 18 को रख लो, ये तीन गाथा के अंदर बताया। 19, 20, 21, 22 और 23 नंबर की गाथा के अंदर उन्होंने ये बताया स्थिति, जगन्य हो तो अंतर्मुहूर्त के अंदर आ जाएगा, और उत्कृष्ट हो तो 30 कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी, इतना लंबा लंबा इनका मामला होता है जो मनुष्य की कल्पना से बिल्कुल बाहर है। हम सोच भी नहीं सकते कि कोई कर्म हमने 30x30 crore, ये तो मैं कह रही हूँ, वैसे इसका मापदंड ये होता नहीं है, 30x30 यानी कितना हुआ? 900 हुआ, 900 करोड़ साल पहले तुमने बांधा था कोई कर्म, उसका उदय अभी आ रहा है, तुम सोच भी सकते हो। इसलिए लेकिन सबसे छूटने का उपाय है, इसलिए हम लोगों को तो खुश इसी में हो जाना चाहिए, 900 करोड़ साल पहले बांधा था फिर भी अभी तुम ज्ञानी की आज्ञा से इस पाथ को समझो, कर्म प्रकृति को, तो इन सब के छूटने का अभी उपाय है। क्योंकि ब्रैकेट लाइन ये है कि जब तक कर्म सत्ता में है, 900 करोड़ साल हो या 9000 करोड़ साल हो, जब तक सत्ता में है उसमें फेरफार किया जा सकता है। जब तक सत्ता में पड़ा है, जब तक तुम्हारे पास पड़ा है, तब तक उसमें कोई भी चेंज लाया जा सकता है, उसको उदय कर सकते हैं, उसका क्षय कर सकते हैं, उसको आगे खसेड़ सकते हैं, उसको पास ला सकते हैं, हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। और यही संभावना हमें मोक्ष की, मोक्ष तक ले जाने के लिए मदद रूप है। क्योंकि यदि भुगते हुए कर्मों को, किए हुए कर्मों को भुगतने में उतना ही समय हमें स्पेंड करना पड़े तो किसी जीव का कभी मोक्ष ही नहीं होगा, हो सकता है क्या? 900 करोड़ साल बाद उदय में आने वाला है, अब मुझे 900 करोड़ साल तो जीना ही पड़ेगा, और उस दरमियान हम नए कितने कर्म बांध लेंगे। लेकिन जैन कर्म व्यवस्था बड़े अच्छे से हमें समझाती है कि जब तक तुम्हारी सत्ता में 900 करोड़ है तो क्या हुआ, सत्ता में है ना, तुम्हारे पास, तुम्हारे बैग के अंदर तुमने कर्मों को रखा है ना, तब तक हम इन्हें लूट भी सकते हैं, इन्हें जला भी सकते हैं, इन्हें खत्म भी कर सकते हैं, इन्हें दान में भी दे सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये विशेषता है जैन दर्शन की, ऐसा मैंने और कहीं नहीं पढ़ा। इतना गहन ये विषय करेंगे तो पहला क्या होता है? प्रकृति बंध। तुमने कर्म किया, प्रकृति निश्चित। तुमने दूसरा, उसके बाद कर्म करते ही प्रदेश, कितना एरिया घेरेगा। उसके बाद तीसरा क्या निर्णय होता है? स्थितिबंध,
कि कितने समय बाद उसका उदय आएगा, और चौथा उसका अनुभाग, उसका उसकी तीव्रता या मंदता, इसे रस बोला जाता है या अनुभाग बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में, लेकिन तुम्हारी भाषा में इसे इंटेंसिटी, सिर का दर्द हो रहा है, स्वाति प्रभु को भी हो रहा है, लवि प्रभु को भी हो रहा है, अनु प्रभु को भी हो रहा है, इसको अश्विन को भी हो रहा है, चारों को सिर का दर्द हो रहा है, मतलब चारों ने कोई वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है चारों के, लेकिन चारों की इंटेंसिटी अलग होगी कि नहीं। ये जो इंटेंसिटी है इसको रस बंद कहा जाता है, अनुभाग बंद कहा जाता है। किसी को घुटने में दर्द बहुत प्रगाढ़ हो रहा है कि बेचारा पलंग से निकल भी नहीं सकता, किसी को हो रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बाथरूम तक, किचन तक आ जा सकता है, किसी को हो रहा है लेकिन इतना कम है कि वो एक आध कॉम्बी फ्लेम खा के ठीक भी हो जाता है, किसी को हो रहा है लेकिन वो दुकान पर भी जा रहा है, अपने घर स्थापना भी करा रहा है, सब कुछ चल रहा है उसके यहाँ तो। लेकिन हर किसी की इंटेंसिटी अलग अलग है कि नहीं है, ये किस कारण से? क्योंकि अनुभाग बंध भी, जब तुमने जिस क्षण कर्म बांधा उसी क्षण प्रकृति का निर्णय हो गया, इन आठ में से कौन सी मुख्य होगी, उसी क्षण प्रदेश का निर्णय हो गया, कितने शरीर के भाग को घेरेगा, उसी समय उसकी स्थिति का भी निर्णय हो गया, कितने काल बाद उदयमान होगा, और उसी समय उसका रस भी पक्का हो गया, अनुभाग, रस, इंटेंसिटी। तो पहला क्या था? प्रकृति यानी नेचर ऑफ कर्मा तुम्हारी भाषा में। दूसरा क्या था? प्रदेश। प्रदेश को हम लोगों ने इंग्लिश में लिखते हैं क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में आएगा वो। तीसरा है स्थितिबंध यानी उसका ड्यूरेशन, और चौथा है अनुभाग यानी उसकी इंटेंसिटी। पहला है उसका नेचर, दूसरा है उसकी क्वांटिटी, तीसरा है उसकी उसका ड्यूरेशन, और चौथा है उसकी इंटेंस। कितना इंटेंस होगा कर्म, कितना इंटेंस होगा, ये हम लोग देखते हैं कितने लोगों के जीवन में कोई कर्म का उदय आता है, इंटेंस कर्म का उदय आता है, इंटेंस। मरेगा तो बेचारा इतना रुल रुल के मरते हैं, देखते हैं, और कोई होता है कभी बैठे बैठे चेक साइन करते करते उड़ गए यहां से, कितने आराम से हो जाता है उनका काम। तो ये क्या है? ये अनुभाग बंध, उन्होंने आयुष्य कर्म इस प्रकार से बांधा था, उन्होंने ये तो वेदना के खाते में आएगा ये भी इस तरह से, तो कोई बेचारा मरे मरे तो भी नहीं मरता, और कोई जिए जिए अचानक मर जाता है। ये सब कुछ तुमने जब कर्म बांधा उसी क्षण निर्णय होता है। ये जो अंतिम है ये तुम्हारा बताया 24वें के अंदर अनुभाग बंध जो है यानी इंटेंसिटी 24वें गाथा के अंदर, और 25वें गाथा के अंदर तो उपसंहार करके, कंक्लूजन करके इन्होंने बात को खत्म किया। मूल रूप से हमारा सिलेबस इतना ही है। अब तुम कहो तो मैं इतने ही सिलेबस के अनुसार चलूं, यहां कह रहा स्पर्श, तुम कहो तो मैं इस सिलेबस के अनुसार चलूं, और तुम कहो तो मैं जो तुम्हें समझाना चाहती हूं मैं उसके हिसाब से चलूं। हाँ, ये ठीक है, सेकंड ऑप्शन ठीक है। और वैसे भी तुम्हें पता है कि तुम जो भी कहोगे वैसा मैं करूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं वही करूँगी जो मैंने सोचा है, जो तुम्हारे लिए हित में है। सोचा भी मैंने इसलिए है क्योंकि तुम्हारा हित उसमें है, समझने की चेष्टा करना। तत्वार सूत्र के अंदर लड्डू के दृष्टांत से इसे समझाया गया है, जो बड़ा पॉपुलर दृष्टांत है। मैं ये कुछ बातें खास इसलिए लाती हूँ क्योंकि जो पुराने अभ्यासी होंगे ना उन्होंने ये दृष्टांत जरूर सुन रखा होगा, लड्डू का दृष्टांत सुना होगा, जो भी ये हिना प्रभु ने, लवि प्रभु ने, ये उषा प्रभु ने लड्डू का दृष्टांत सुना होगा। फिर वो कहेंगे बेन प्रभु ने तो बात की उसमें, लड्डू वाला तो दृष्टांत आया नहीं, और ये सबसे पॉपुलर दृष्टांत है, इसलिए लड्डू के दृष्टांत को भी मैं ले आऊं। ये तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वाति जी ने हमें बताया कि कर्म प्रकृति को समझना है। कौन सी चार प्रकृति, चार ढंग से बंद होता है? प्रकृति। तुम लड्डू बनाते हो, कोई ठंड में बनेंगे लड्डू, घर में बनेंगे ना, हमें खाने को भी मिलेंगे, पता नहीं शुगर है तो ना मिले अब, लेकिन लड्डू बनेगा घर में, ठंड में लड्डू बनाते हैं, या वैसे भी तुम लोगों के घरों में लड्डू बनाते हैं उसमें सौंठ ज़्यादा डले यदि, तो इसका मतलब वात नाशक होते हैं। किसी को वात की तकलीफ हो, वायु वायु हो शरीर में, तो उसको लड्डू खिलाया जाएगा कैसे? उसमें सूंठ बहुत ज़्यादा डाली जाएगी, वो सूंठ को खाने से क्या होगा? वायु की प्रकृति तुम्हारी खत्म होगी, नाश पाएगी। या फिर किसी को पित्त की प्रकृति है तो उसके लिए जीरा ज़्यादा डाल के करेंगे, मुझे सारी रेसिपीज पता है, जीरा ज़्यादा डालेंगे तो उसे पित्त, जीरा ठंडा पड़ता है ना, जीरा ठंड, तुम्हें क्या पता, तुम लोग बोलो,
जीरा ठंडा पड़ता है तो वो ठंडा ठंडा जीरा पित्त की प्रकृति है ना, उसको दबाती है। तो लड्डू के अंदर जो मेजर इंग्रेडिएंट है, अभी उड़द की दाल के लड्डू बनेंगे हम लोगों के, अड़दिया बनता है गुजरातियों में, हम लोगों के घरों में भी बनेगा, तो वो क्यों, किस लिए बनाते हैं? ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए, इतनी ठंड के अंदर शरीर को गर्म रखने के लिए उड़द की दाल का अभी लड्डू पेड़ा पता नहीं सब कुछ बन के बड़े तोप और मिसाइल्स पड़ती हो ना, ऐसे कई बार तो खाना पड़ता है, वो मिसाइल की शेप में होता है तुम्हें पता है हमारे यहाँ उड़दिया, ऐसा ट्रायंगल शेप में, कभी खिलाना इन लोगों को सबको, पता चलेगा हम लोगों को एक एक मिसाइल रोज खानी पड़ती है। लेकिन वो कहते हैं कि इससे ठंड में गर्माहट शरीर में बनी रहती है, और बात सही है। तो आप जो भी इंग्रेडिएंट डालते हैं, चीनी घी गुड़ ये सब तो डालते ही होंगे, लेकिन जो मेजर इंग्रेडिएंट क्या है उसके आधार पर उसकी प्रकृति का निश्चय होता है कि नहीं। तो कहा लड्डू के दृष्टांत से, मोदक के दृष्टांत से हमें समझाया गया कि सबसे पहले प्रकृति का निश्चय होता है, उसके बाद दूसरा किसका निश्चय करते थे हम, प्रदेश का, कि ये लड्डू कोई बड़ा बना देता है, किसी को आलस हो तो बड़े बड़े 10 लड्डू बना के छोड़ देगा, कोई थोड़ा काम चोर ना हो छोटे छोटे प्यारे प्यारे लड्डू बना के देखने में भी सुंदर हो ऐसा बनाएगा। तो लड्डू कितने प्रदेश को घेरेगा, कितनी जगह को घेरेगा, या उसमें जो सौंठ या जीरा या उड़द की दाल जो भी डाली है वो कितने प्रदेश में होगी, कितनी मात्रा में होगी, ये निर्णय होता है, होता है कि नहीं, कोई छोटा लड्डू कोई बड़ा लड्डू। फिर उसके बाद तीसरा क्या देखा, ड्यूरेशन, कोई लड्डू 5 दिन में खराब हो जाता है, किसी की एक्सपायरी 1-1 महीने तक नहीं होती, किसी की तो 3-3 महीने तक नहीं होती, तो सबकी शेल्फ लाइफ अलग अलग होती है कि नहीं, ठीक है। और चौथा क्या देखा, अनुभाग, रस, कोई बहुत तीखा होता है, सौंठ ज़्यादा डाल दी तो तीखा ही हो जाएगा कि नहीं, जीरा ज़्यादा डाल दिया तो एक अलग सा उसका टेस्ट आ जाता है, उड़द की दाल ज़्यादा डाल दी तो उसके टेस्ट में भी डिफरेंसेस आ सकते हैं, बिकॉज वो कितना डाला उसके ऊपर उसकी टेस्ट का फर्क हमें पता चलता है। इस प्रकार जिस क्षण जीव जो भाव करता है, भाव कब करता है, दिन में 1-2 बार, 4-6 बार कर लेता होगा, 10-12 बार कर लेता है, भाव कितनी बार करता है, भाव मतलब विचार, 1 दिन में 60,000, तुम डेटा के साथ बात करो, 1 दिन में 60,000 बार तुम विचार करते हो, और 60,000 times ये तुम्हारा मशीन है ना कर्म प्रकृति वाला, थकता भी नहीं है, 60,000 times into 4, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद, फटाफट उस हिस्से में उस चौकटे में डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है, ये है कर्म का विज्ञान। इस प्रकार से एग्जीक्यूशन चल रहा है, जिस क्षण तुमने विचार किया, तुमको हमने बुरा विचार किया, फिर हमने अच्छा विचार भी कर लिया, कर्म प्रकृति में प्लस माइनस इक्वल टू 0 नहीं है, -3 + 2 = -1 नहीं चलता, कर्म प्रकृति के अंदर -3 किया फिर तुमने +2 किया इक्वल टू आंसर क्या आना चाहिए, -1 ही आना चाहिए ना, ये कर्म प्रकृति ऐसे नहीं चलती, कर्म मैथमेटिक्स टोटली डिफरेंट, -3 का भुगतो फिर +2 का भुगतो, इक्वल टू करने की फुर्सत किसको है, इक्वल टू कौन करे, क्योंकि वहां माइनस और प्लस के ही साइन है, कीबोर्ड पे और कोई साइन ही नहीं है, तो या माइनस होंगे या प्लस होंगे। तो जो तुमने किसी का नुकसान पहुंचाने का विचार किया माइनस और उसी टाइम तुमने क्षमापना कर ली, थोड़ी ही क्षणों में क्षमापना कर ली प्लस, उसका भी कर्म भुगतना पड़ेगा इसका भी, लेकिन किस प्रकार से कर्म भुगतना पड़ेगा आज दूसरी बात करते हैं। एक और, अभी मूल विषय पर आने से पहले कुछ छोटी छोटी, ये कर्म बंध जो होता है ये 4 प्रकार से होता है, स्पृष्ट कर्म बंध, बद्ध कर्म बंध, निद्धत कर्म बंध और निकाचित कर्म बंध। तुमने 2 सुने होंगे, निद्धत और निकाचित, मैं उससे भी सूक्ष्म बात करूं। स्पृष्ट कर्म बंध, स्पृष्ट, स्पृष्ट यानी लगा और छूट गया, बड़ा ही ढीला कर्म बंध, बड़ा ही ढीला, जैसे एक सुई का ढेर है, सुई का ढेर है पड़ा है, पूरा ढेर यहाँ पर रखा हुआ है मैंने सुई का, इसको आचार्यों ने इस दृष्टांत से समझाया, तो मैं बिल्कुल आचार्यों के दृष्टांत से समझा रही हूँ, ये मेरा अपना कोई दृष्टांत नहीं है, शास्त्रों में जो दृष्टांत लिया है एग्जाम्पल एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं। सुई का ढेर है यहाँ पड़ा है, मुझे उसको बिखेरना है, कितना पुरुषार्थ लगेगा, हल्का सा पुरुषार्थ, हल्का सा, इसको कहा जाता है स्पृष्ट कर्म बंध,
स्पृष्ट स्पष्ट नहीं स्पृ और शर्ट लिख दो आके स्वाति प्रभु, स्पृष्ट कर्म बंद। दूसरा है सुइयों का ढेर पड़ा है लेकिन उसे एक पतली सी कॉटन के की जो डोरी होती है ना उससे बांध रखा है। अब मुझे उसका ढेर उसको ढेर को अलग करना है, कैसे होगा? थोड़ा ज्यादा जोर से मारना पड़ेगा। क्या होगा? थोड़ा ज्यादा जोर से मारूंगी तो वो गांठ अब एकदम कॉटन की सुत्तर की डोरी है उसको तो तुरंत यूं ही टूट जाएगी कि नहीं? तो थोड़े ज्यादा पुरुषार्थ से जो छूट एकदम थोड़े ज्यादा से वो बद्ध कर्म बंध है। पहला कौन सा है? स्पृष्ट कर्म बंध। दूसरा उसके आगे लिख दो एकदम ढीला, एकदम ढीला। दूसरा है बद्ध कर्म बंध। ये बद्ध कर्म बंध थोड़ा मजबूत है, थोड़ा। फिर तीसरा आता है निद्धत कर्म बंध। निद्धत, निद्धत यानी और अधिक मजबूत। अब वही सुइयों का ढेर है और उसको किसी लोहे की तार से बांधा हुआ है, लोहे की तार से बांधा है। अब इसको अलग करना, थोड़ा ज्यादा पुरुषार्थ, कहीं से कैंची लानी पड़ेगी, कट कट करके काटना पड़ेगा, लोहा है तो शायद पिघलाना पड़ जाए, कुछ भी कर सकते हैं। अब ये हो गया निद्धत कर्म बंध, काफी ज्यादा मेहनत मांगता है। और उसके बाद आता है निकाचित कर्म बंध, कि ये सुइयों का ढेर जो पड़ा है अग्नि के ताप में ऐसा तप गया कि सुइयों का ढेर अपने आप तप तप के लोहा बन गया। अब इनको अलग करना नामुमकिन, ओवर। अब इनको अलग नहीं किया जाता, इसको निकाचित कर्म बंध बोलते हैं। तुम लोगों ने ये दो शब्द सुनोगे, निकाचित यानी अब तो भुगते बिना छुटकारा ही नहीं है। पहला है स्पृष्ट कर्म बंध एकदम ढीला, दूसरा बद्ध कर्म बंध थोड़ा मजबूत, तीसरा निद्धत कर्म बंध थोड़ा और नहीं और मजबूत, और चौथा है निकाचित कर्म पक्का ठोस। अब इसको भुगते बिना छुटकारा नहीं। ये शुभ और अशुभ दोनों रूप से बनते हैं, क्योंकि कर्म बंध का संबंध शुभ कर्म बंध से भी है और अशुभ कर्म बंध से भी है। राग द्वेष की अत्यंत मंदता हो, तुम्हारा राग और द्वेष अत्यंत मंद हो, बस थोड़ी सी अजागृति के कारण तुमने कोई बुरा काम कर दिया, किसी के लिए खराब सोच लिया, किसी के लिए कोई खराब बोल दिया, किसी को ऊंचा बोल दिया, तुम्हारे अंदर राग द्वेष इतने नहीं है, वो मंद है, लेकिन वर्तमान कुछ ऐसा कर्म का उदय आया कि तुमने जोर से उसको बोल दिया, बोलते ही तुम्हें तुरंत स्मरण में आया कि क्या बोल दिया। विद इन 48 मिनट्स तुम्हें स्मरण में आ गया, 48 मिनट एक मुहूर्त के अंदर आपको समझ में आ गया अरे मैंने क्या बोल दिया, उसको सॉरी बोला तुमने, ये हो गया स्पृष्ट कर्म बंध अशुभ के खाते में। ये हो गया स्पृष्ट, यानी तुम्हारे देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, राग द्वेष मंद होने चाहिए। तुम्हारे राग द्वेष तीव्र है और तुम 48 मिनट में नोटिस करके सॉरी कहते हो तो नहीं, तब नहीं। पहली कंडीशन है राग और द्वेष तुम्हारे मंद हो, लेकिन तुम्हारे अचानक परिणामों की अजागृति रही, इस कारण तुमने गलत सोच लिया, गलत तोल दिया, झूठ बोल दिया, तुमने व्यभिचार आदि कर लिया, 48 मिनट के अंदर सॉरी, क्षमापना, ग्लानी, गिल्टी मैसेज सॉरी का चला गया, ये सब हो गया, तो समझो स्पृष्ट कर्म बंध। अशुभ की बात चल रही है अभी, फिर बाद में हम शुभ की भी बात करेंगे, ये तो गलत की तरफ से एंगल से बात चल रही है ना। फिर आता है बद्ध कर्म बंध, राग द्वेष की अधिकता है। ये जो स्पृष्ट कर्म बंध है ये ज्ञानी के जीवन में होता है, क्योंकि राग द्वेष काफी मंद हो चुके हैं, मोह की परिणति पिघल चुकी है, इसलिए लगभग ज्ञानी के जीवन में स्पृष्ट कर्म बंध होगा, अभी किया और अभी उदय में आ गया। और इसलिए तुमने देखा होगा हर ज्ञानी लगभग आगे चलकर बीमार लगभग कैंसर में मरते हैं, क्यों? क्योंकि उस जीवन में जितने कर्म किए थे स्पृष्ट कर्म बंध के रूप में उसी जीवन में उदय में आएंगे,
30x30 करोड़ सालों के बाद नहीं आएंगे, उस जीवन का, उसी जीवन में उदय आके सारा का सारा खाता उनका खत्म करना होता है। इसलिए ज्ञानी के जीवन में स्पृष्ट कर्म बंध सबसे ज्यादा होंगे। कुछ भी गलत, मैंने कितनी बार कहा है इन लोगों को, राज परिवार को, मैं कितनी बार समझाती हूँ, तुम मेरे साथ ना झूठ मत बोलो, तुम बाहर में किसी के साथ भी झूठ बोलो, मैं ऐसा भी नहीं सिखाती, लेकिन फिर भी इनको सावधान करने के लिए मैं कहती हूँ, तुम्हारी झूठ बोलने का तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसा प्रवृत्ति हो तो तुम किसी से भी बोलो, पर मेरे साथ मत बोलो। क्यों? क्योंकि मेरे साथ बांधा हुआ कर्म तुम्हारा तुरंत उदय में आएगा, तुरंत, क्योंकि मैं हूं ना, मेरे सामने ही वो उदय में आ जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे को ही फटाफट समेटना है, तो मैं अपनी हाजिरी में ही वो कर्म बंद आ जाए, यही होता है लगभग। लेकिन अगर तुम मेरे साथ झूठ बोलते हो, मेरे साथ धोखा करते हो, मेरे साथ अविवेक आदि करते हो, तो उसका परिणाम तुम्हें तुरंत 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 मिलेगा। और ऐसे कितने एग्जाम्पल्स मैंने इस जीवन के अंदर देखे हैं, मेरे मतलब किसी भी ज्ञानी के साथ, और वो बात आज आएगी बहुत डिटेल में। बद्ध कर्म बंध कैसा है? थोड़ा राग द्वेष ज्यादा है, पहले वाले की अपेक्षा से राग द्वेष ज्यादा है, लेकिन तीव्र नहीं है। उसको पाप के बारे में क्या है, स्पृष्ट कर्म बंध वाले को तो खुद याद आ जाता है, लेकिन बद्ध कर्म बंध वाले को क्या होता है, कोई याद कराए ना तो उसे तुरंत याद आता है और स्वीकार भी कर लेता है। किसी ने याद कराया, भाई तुम ऐसा ऐसा बोल रहे थे भैया, लेकिन तुम गलत बोल रहे थे, जैसा ही कोई याद कराए ना तो उसको तुरंत याद आ जाता है और वो क्षमा अपना आलोचना ये सब कुछ कर लेता है। तो ये बद्ध कर्मबंध ये भी बहुत जल्दी छूट जाता है जीव, ये इतना उत्कृष्ट स्थितियां नहीं बांधता कि इतने सालों बाद आएगा, तुरंत बांधा और तुरंत इसी जीवन में आ गया। ये अच्छा है कि नहीं? तुमने इस जीवन में अभी कर्म बांधा और अभी एक महीने में, एक हफ्ते में, एक दिन में, एक घंटे में उदय में आ जाए, तो ये अच्छा है कि बुरा है? इसलिए कर्म के उदय को बुरा मत मानना। जितना तुम्हारे जीवन में स्पृष्ट कर्मबंध और बद्ध कर्मबंध होगा, उदय बहुत फास्ट आता नजर आएगा, बहुत जल्दी। तो ये बद्ध कर्मबंध वाला कैसा होता है, भूल कर देता है, झूठ बोल दिया, लेकिन खुद उसको याद भी नहीं आता, पर दूसरा याद कराए तो इतना सरल होता है कि हाँ हाँ मुझसे ऐसा हो गया, और वो क्षमापना करता है, आलोचना करता है, पश्चाताप करता है, और वो कर्मबंध धुल जाता है। धुल जाता है मतलब नया कर्म उसके ऊपर बन गया, अशुभ था उसके ऊपर शुभ कर्म बन गया। निद्धत कर्म बंध, अब ये राग, अब ये और अधिक मजबूत है, इसके अंदर राग द्वेष की तीव्रता होती है। पहले वाले में राग द्वेष कितने थे, बहुत मन, दूसरे में थोड़े अधिक हुए, तीसरे में तीव्र हो गए। निद्धत कर्म बंध कौन सा दृष्टांत है इसमें, सुई के किससे बांधा है, लोहे की तार से, वेरी गुड, आप लोगों को सब कुछ याद है। राग द्वेष की तीव्रता, कोई याद कराता है, तुमने कोई गलत काम किया मान लो, तुम्हें कोई याद भी करा रहा है, आसपास में नहीं याद कराता लेकिन क्षमापना के दिन तो याद कराता है कि नहीं, क्षमापना के दिन तुम्हें याद भी कराता है तो भी अपने दोष को कबूल नहीं करना, तो भी अपने दोष को कबूल नहीं, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, या फिर थोड़ा थोड़ा स्मरण आ रहा हो तो भी उसको प्रगाढ़ता से स्मरण में नहीं लाना कि ठीक है किया होगा, मेरे को इतना ख्याल नहीं है, ऐसे टाल मटोल करना, ऐसे अपने साथ ही धूर्तता करना, धूर्तता लिखा है उसमें तो चालाकी करनी, ये जैसे ही करता है निद्धत कर्म बंध बांधता है। कोई याद करा रहा है, पहले में तो क्या था, खुद ही याद आ जाता है, दूसरे में क्या हुआ, कोई याद कराता है, तीसरे में कोई याद कराता है पर मानता नहीं है, ये हो जाता है निद्धत कर्म बंध, यानी अब कर्म बंध तुम्हारा और प्रगाढ़ होता जा रहा है। और चौथा आता है निकाचित कर्म बंध, यानी पक्का है, ठोस है, एकदम ठोस राग द्वेष की अत्यंत प्रगाढ़ता है, खूब राग द्वेष अंदर भरे पड़े हैं, यानी पर से सुख की कल्पना या पर से दुख की कल्पना अंदर में खूब भरी पड़ी है, और ऐसे में कोई दोष हो जाता है, दोष हो जाता है तो उस दोष को दोष रूप तो स्वीकार नहीं करता, लेकिन उस दोष को किसी ना किसी ढंग से गुण रूप स्वीकार करने की कोशिश करता है। दोष रूप तो स्वीकार नहीं करता, लेकिन दोष को उल्टा दिखाने की चेष्टा करता है। गुस्सा किया तुमने, गुस्सा किया, पहले में क्या है स्पृष्ट कर्म बंध में खुद ही स्मरण में आ गया, तुमने
क्षमापना कर ली, दूसरे में तुम्हें किसी ने याद कराया कि तुमने गुस्सा किया, ठीक नहीं किया, तो तुमने क्षमा मांगी, तीसरे के अंदर क्या हुआ, किसी ने याद कराया लेकिन मानना नहीं है, चौथे में अरे मैं तो बहुत प्रेम करती हूँ उससे इसीलिए उसको गुस्सा करके समझाया, यदि उसको गुस्सा करके नहीं समझाते तो वो कभी भी समझने वाला नहीं था, अपने दोष के ऊपर गुण का कोई ना कोई अच्छी बात का लीपा पूती करना था नहीं, सच में प्रेम होता तो बात अलग थी, खाली उसको मीठी मीठी बातों में लीपा पोती करके उसको रख देना और उसकी क्षमापना नहीं करना, आलोचना नहीं करना स्वाभाविक है। जब तुम अपने दोष को किसी गुण का लेयर पहना दोगे, जब तुम काले कुबड़े को अच्छे से कपड़े पहना दोगे, सुंदर मेकअप कर दोगे, तो वो कभी सोचेगा कि मैं काला कुबड़ा हूँ, अच्छा मेकअप, अच्छा कॉस्ट्यूम सब पहन लिया, अब वो पश्चाताप नहीं करता, आलोचना नहीं करता और उस कारण उसका कर्म बंध कैसा है, निकाचित। ये भूल कभी मत करना। पहले तीनों कर्म अनिकाचित बोले जाते हैं। अनिकाचित का मतलब ये होता है कि उनको उनको उनके अंदर फेरफार किया जा सकता है, क्षमापना के माध्यम से उनकी निर्जरा की जा सकती है। लेकिन चौथा जो है निकाचित कर्म, यानी भुगते बिना छुटकारा नहीं है। पहले तीन अनिकाचित हैं और चौथा जो है वो निकाचित है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? तुम बहुत गंभीरता से बैठे हो, तुम्हें कुछ उलझन हो रही हो, कुछ प्रश्न आ रहा हो। हमने अभी तक 8 नए शब्द किए, 8 नए, पिछली बार 8 नए किए थे। अनंत ज्ञान को जो ढक देता है वो ज्ञानावर्णीय, अनंत श्रद्धा को जो ढक देता है दर्शनावर्णीय, शायिक समकित को जो, अनंत सुख को जो ढक देता है वेदनीय, उसके बाद शायिक समकित को ढकता है वो मोहनीय, उसके बाद अनंत शाश्वत सत्ता को जो ढकता है वो आयुष्य, अरूपी स्वभाव को ढकता है नामकर्म, अगुरु लघु गुण को ढकता है वो गोत्र कर्म, और अनंत वीर्य को ढकता है वो अंतराय कर्म। ये हमने पिछली बार नए शब्द देखे, आज हमने 8 नए शब्द देखे। पहला प्रकृतिबंध, यानी नेचर ऑफ कर्म। तुम जिस क्षण कर्म करते हो उसका नेचर डिफाइन हो जाता है। 2 दिन बाद या कोई चित्रगुप्त साहब ऊपर बैठे हैं, कुछ लोग मानते हैं ना चित्रगुप्त का लेखा जोखा, तो वो चित्रगुप्त बैठे हैं लिख रहे हैं, कुछ मान्यताएं ऐसी है, और वो अभी मैं खंडन कर रही हूँ, बाकी भगवत गीता में उसी का मंडन करूँगी कि हाँ हाँ ऐसा है, वो उस एंगल से। इसलिए पिछली बार ऋतिका प्रभु का प्रश्न था कि प्रभु आपने ऐसा क्यों कहा कि दर्शन सटीक होते हैं संपूर्ण नहीं होते, ये प्रश्न उठा उसका। पिछली बार सत्संग के अंदर ऐसा कहा गया कि कोई भी दर्शन है वो सटीक बात करता है पर संपूर्ण बात नहीं करता, इनके दृष्टांत से, खिड़की और दरवाजे के दृष्टांत से बताया था। सटीक बात यानी सटीक यानी राइट, ये जो 6 मुख्य दर्शन है जो हम लोगों के ईस्टर्न फिलोसॉफी को जिसको फॉलो करती है, ये 6 मुख्य दर्शन सटीक बात करते हैं यानी राइट बात करते हैं पर कंप्लीट बात नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्लीटली जानना तो अनुभव का विषय है। हम सही सही बात करके तुम्हें अनुभव के लिए प्रेरित कर सकते हैं, सही सही बात करके कि दरवाज़ा वहाँ है, वहाँ से निकल के जाना है, अनुभव के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन अनुभव होना ही संपूर्ण बात होती है। इसलिए सारे दर्शन सटीक बात करेंगे, सही बात करेंगे, क्योंकि जो सही बात नहीं करता वो तो दर्शन ही नहीं है, वो तो कोई दृष्टि ही नहीं है। जो सही बात नहीं करता, जो राइट कंसेप्ट ही नहीं बताता, राइट फिलॉसफी ले डाउन नहीं करता, वो तो कोई दर्शन ही नहीं है, वो तो मिथ्या भ्रम है, जाल है। लेकिन राइट फिलॉसफी एक एंगल दिखाती है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान तो मात्र अनुभव के अंदर ही हमें समझ में आ सकता है। तो आज हमने देखा, पहला नेचर ऑफ कर्म डिसाइड हो जाता है प्रकृतिबंध, उसके बाद हाँ स्पेस ऑक्यूपाइड क्वांटिटी यानी प्रदेश बंध, ये भी डिसाइड हो जाता है कब, इंस्टेंट। इंस्टेंट तुम्हारे इंस्टेंट मिक्स तो अभी आए हैं हमारे सत्ता में, तो ये इंस्टेंट मिक्स जन्मों जन्म से चले आ रहे, करा और हुआ एक ही क्षण में, एक समय का भी फर्क नहीं होता कि अभी मैं पहले वाली कैलकुलेशन प्रोसीड कर रहा हूँ तो ये वाली थोड़ी देर बाद प्रोसीड करूँगा, ऐसा नहीं कहती कर्म की टेक्नोलॉजी। अभी तो ये थॉट का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ और दूसरा थॉट चला, तुम आधे आधे भी थॉट करते हो ना तो भी प्रोसेसिंग तो पूरी पूरी होती है, कितनी फास्ट तुम्हारे थॉट भागते हैं ना,
अभी सुबह क्या बनाऊं और शाम को क्या बनाऊं अभी तो कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन हर बार थॉट के साथ कर्म की प्रोसेसिंग तो पूरी हो रही है, ये समझ लेना। तो पहला आज हमने शब्द देखा प्रकृतिबंध, दूसरा देखा प्रदेशबंध, तीसरा देखा स्थितिबंध यानी उसकी ड्यूरेशन, उसका टाइम, कितने टाइम तक वो हमारे साथ चिपका रहेगा वो कर्मबंध, और चौथा हमने अनुभाग बंद यानी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। जब वो उदय में आएगा तो थोड़ा बहुत सिरदर्द से काम हो जाएगा, या वो उदय में आएगा तो पूरा तन तोड़ दर्द हमें देके जाएगा, पूरा तन को तोड़ेगा, इतना दर्द कराएगा कि थोड़ा बहुत कान में दुखेगा और काम खत्म हो जाएगा। इट डिपेंड्स टोटली ऑन अनुभाग बंद। अब ये जब बंद होते हैं तो अशुभ और शुभ दोनों ढंग से होते हैं। अभी हमने अशुभ की बात की है। अशुभ में स्पृष्ट कर्म बंध कब होता है? जब राग द्वेष मंद हो और कोई भी भूल करके तुम्हें खुद ही तुरंत याद आ जाए और तुम उसकी क्षमापना ले लो। ये समझ में आ रही है ना बात? दूसरा बद्ध कर्म बंध कब होता है? जब राग द्वेष थोड़ा अधिक होता है, तीव्र नहीं अभी लेकिन थोड़ा अधिक है, और कोई याद कराए तो तुम सरलता से मान जाते हो। उसके बाद तीसरा है निद्धत कर्मबंध। इसके अंदर राग द्वेष तीव्र है, थोड़ा प्रगाढ़ हुआ, और इसके अंदर कोई याद कराता है तो भी मानने को तैयार नहीं। और चौथा है निकाचित कर्म, जो अत्यंत चिकना कर्म माना जाता है। अत्यंत चिकना, क्या दृष्टांत था उसके लिए? सुइयों का, आग के अंदर पिघल गई, अब वो तो पिंडी बन गई, सुइयां का रही, वो तो लोह पिंड बन गई, लोहे का पिंड बन गई। अब इनको अलग अलग करना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसको इस रूप में ही स्वीकार करना पड़ेगा। यानी ये कर्म, निकाचित कर्म जैसा बंद गया वो वैसा ही भुगतना पड़ेगा। और ये बंधता कब है? जब तुम अपने दोषों को अपने गुणों के आवरण के अंदर, गुणों की लेयर, उनकी कवरिंग के अंदर छुपा कर पेश करते हो। कोई याद कराता है, स्मरण कराता है, तुम्हें खुद स्मरण में आता है, लेकिन जस्ट कीप देम असाइड, तुम उनको बाईपास करने की चेष्टा करते हो, साइड कर देने की, नहीं नहीं वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो निकाचित बन रहा है। इसी प्रकार इनमें शुभ कर्म भी होते हैं, स्पृष्ट कर्म बंध। शुभ में क्या होता है? कोई भी तुम धार्मिक क्रिया, तुम्हारे सद्गुरु ने कही, मैं तो यही कहूंगी कि उन्होंने तुम्हें कहा कि तुम्हें यह भक्ति प्रिपेयर करनी है, बिना मन के वो भक्ति प्रिपेयर की, तुमने गा भी लिया, प्रिपेयर भी कर ली, गा भी लिया, लेकिन बिना मन के, बिना उत्साह के, बिना आज्ञा पालन की, कि झंखना के तुमने उसको किया, तो वो स्पृष्ट कर्म बंध है। तुरंत उसका उदय आएगा और ख़त्म हो जाएगा, और वो उदय भी बड़ा हल्का सा आता है कि तुम्हें गर्मी के अंदर ठंडा ठंडा पानी मिल जाएगा, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। स्पृष्ट कर्म बंध यानी कोई भी धार्मिक रिचुअल्स को, कोई भी सद्गुरु की बताई आज्ञा को जब तुम बिना मन के करते हो तो तुम्हारा, तुम कर रहे हो शुभ क्रिया, इसलिए शुभ कर्म बंध बंधेगा, लेकिन ये ज़्यादा प्रगाढ़ नहीं होगा। ये तुरंत ही उदय में आके कोई छोटी मोटी तुम्हें लाभ, छोटा मोटा लाभ हो जाएगा कि तुम्हारे घर में लाइट नहीं जा रही भाई गर्मी के दिनों में, बस ये छोटा मोटा लाभ हो जाएगा, या तुम्हारे पड़ोसी के घर गई और तुम्हारे घर नहीं गई, ये सबसे बड़ा सुख होता है। तुम्हारे पड़ोसी के घर में गई और तुम्हारे घर नहीं गई, ये अच्छा है, तुम्हें मिला ना ये लाभ, ये कहाँ से आया? तो ये कोई स्पृष्ट कर्म बंध में से आया दिखता है हमें तो, क्योंकि बड़े तुच्छ लाभ है। बड़ा लाभ तो ये होता है कि तुम्हें ज्ञानी का वचन स्मरण में रहे, ज्ञानी की आज्ञा स्मरण में रहे, ज्ञानी जिस आशय से समझाना चाहते उस आशय को तुम पकड़ सको, ये बड़े लाभ है। ये सब तो छोटे मोटे लाभ है कि नहीं? तुम जो कपड़ा लेने गए थे, जिस दुकान में गए, पहली दुकान में ही बढ़िया मिल गया तुम्हें, अब ये शुभ कर्म का उदय है डेफिनेटली, वरना इतने ठोकरें ठोकरें खा खा के फिर निर्णय होता है, लेते पहली दुकान से ही है, लेकिन निर्णय तो 10 दुकान में झारकर ही होता है ना, लेकिन पहली दुकान में तुम्हारा निर्णय हो गया कि बस यही बढ़िया है, अब ये शुभ कर्म का उदय है। लेकिन स्पृष्ट जाति का, बड़ा ही निम्न जाति का। दूसरा है बद्ध कर्म बंध, ये भी शुभ के खाते में देखेंगे। समझकर धर्म क्रिया करते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड, कभी हफ्ते में, कभी महीने में एक आध बार क्रिया कर ली, महीने दो महीने में एक आध बार सत्संग का चक्कर लगा दिया, अटेंडेंस लगवा दी अपनी, साल में एक आध बार क्षमापना कर ली जब 3-4 घंटे की होती है तब,
धर्म क्रिया करते हैं, समझ पूर्वक करते हैं। पहला वाला तो समझता ही नहीं था, दूसरा समझ कर करता है लेकिन बहुत लिमिटेड क्रियाएं करता है, लिमिटेड आज्ञा पालन क्रिया। इस तुम्हारे केस में क्रिया मतलब आज्ञा पालन। 10 आज्ञाएं दी जाती है तो 10 में से 2 आज्ञा का पालन करता है। तुम अच्छा ही कर रहे हो ना, तुम 2 आज्ञा का पालन कर रहे हो, तुम राइट कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी ये क्या कहते हैं, आज्ञा 10 मिली, तुमने 2 का पालन किया, इसका मतलब तुम्हारा बद्ध शुभ कर्म बंध रहा है। समझ में आ रहा है कि कन्फ्यूजन हो रहा है? कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा लंबा लेंदी सिलेबस है और मैंने बनाया है, क्योंकि अभी सोच रही हूँ अगले साल क्या लेना है, इसलिए तब तक तो इसको चलाना पड़ेगा और तब तक ये सब चलता रहेगा। तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? थोड़ा लंबा है लेकिन टफ तो नहीं है, रिलेट हो पा रहा है लाइफ के साथ। स्पृष्ट कर्म बंध कब होता है? जब बिना मन के तुम कोई धर्म क्रिया करते हो निपटाने के लिए, दिखाने के लिए, अविश्वास पूर्वक आज्ञा का पालन करते हो, निपटाने के लिए करते हैं ना, निपटाने के लिए धर्म किया। अब नहीं करते होंगे, पहले तो करी होंगी ना अनुप्रभु, निपटाने के लिए, दिखाने के लिए, या अविश्वास पूर्वक, यानी इससे कोई लाभ वाभ होता भी होगा कि नहीं, स्वराज क्रिया तो 1 साल से कर रहे हैं, दिसंबर में लेवल 2 आ जाएगा, कोई लाभ वाभ होता भी होगा कि नहीं, पर तुम कर रहे हो रोज तो कर्म बंध तो होगा लेकिन स्पृष्ट कर्म बंध, क्योंकि अविश्वास पूर्वक कर रहे हो, स्पृष्ट कर्म बंध। दूसरा है बद्ध कर्म बंध, यानी समझ के करते हो, अनुभव भी कर पाते हो कि हाँ कुछ लाभ हो रहा है, लेकिन करते ही 10 में से 2 बार आज्ञा पालन को, लिमिटेड आज्ञाओं का पालन करते हो। निद्धत कर्म बंध तीसरा है ना, निद्धत कर्म बंध, खूब धर्म क्रिया, खूब उल्लास भी होता है, खूब धर्म क्रिया भी कर रहे हैं, यानी खूब आज्ञाओं का पालन भी करते हैं, खूब उल्लास भी है, चेहरा भी मुरझाया हुआ नहीं है, आनंद भी है, उल्लास भी है, 10 में से 9 आज्ञाओं का पालन हो रहा है, उल्लास भी है, लेकिन समझ नहीं है। अब ये निद्धत कर्म बंध बांधेगा, निद्धत शुभ कर्म, शुभ यानी बेटर है, पहले वाला लोवेस्ट था, उल्टा चल रहा है, तुम देख रहे हो ना, अशुभ में वो हाई से लो जा रहा था, इसमें लो से हाई जा रहा है। निद्धत कर्म बंध यानी 10 में से 9 आज्ञाओं का पालन चल रहा है, खूब उल्लास पूर्वक चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट समझ किसी भी धर्म क्रिया की नहीं है, किसी की भी नहीं, ये निद्धत कर्म बंध बांधेगा बेहतर है। लेकिन निकाचित शुभ कर्म, निकाचित शुभ कर्म यानी भोगे बिना छुटकारा नहीं, निकाचित शब्द का अर्थ ही ये होता है, भोगे बिना निकाचित, भोगे बिना उसका, उसको भोग भुगतान किए बिना तुम्हारी निवृत्ति होने ही नहीं वाली उस कर्म की। निकाचित कर्म सच्ची समझ के साथ, उल्लास के साथ, आनंद के साथ और निष्काम भाव से जब आज्ञा का पालन होता है, ये निष्काम भाव कहीं से भी आ जाता है, सच्ची समझ, उल्लास, आनंद, उल्लास एक बाह्य घटना होती है और आनंद आंतरिक वेदन होता है। उल्लास के साथ हम कोई क्रिया शुरू करते हैं लेकिन जब क्रिया करते हैं तो अंदर में फील क्या होता है, वो आनंद, वो शांति, वो वेदन की बात है। तो पहले तो समझ भी है, दूसरा उल्लास से करने भी जाते हो, उसके बाद करते हो तो तुम्हें भीतर कोई आंतरिक वेदन भी मिलता है, और चौथा निष्काम भाव से तुम कर रहे हो। अब यह निकाचित शुभ कर्म बांधेगा, और यह निकाचित बांधेगा मतलब शुभ में निकाचित है, मतलब बेस्ट बेस्ट है ये तो, यानी कि ये भुगते बिना तुम सद्गुरु के पीछे पड़ो ना पड़ो, सद्गुरु तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हारे को पार लगाएगा, ये यही तो होगा। इसका मतलब क्या होगा, निकाचित शुभ कर्म का बंध किस तरह उदय में आएगा, कोई तुम्हारे पीछे ऐसा पड़ेगा ना कि तुम चाहो ना चाहो भुगते बिना, यानी इस मोक्ष मार्ग पे चले बिना छुटकारा ही नहीं है तुम्हारा, ये निकाचित शुभ कर्म बंध है। तुम्हें हंसी आ रही है लेकिन ये ऐसा ही है। हाँ, जहाँ सद्गुरु का नाम आता है ना सब कुछ कितना सिंप्लीफाई हो जाता है ना, और इसीलिए शास्त्रों में कहा आज्ञा ही धर्म, आज्ञा ही तप, धर्म तप सब कुछ वही है। स्पृष्ट कर्म बंध जो है अशुभ वाला, वो सिंपली सॉरी से चला जाता है, मिच्छा में दुकड़म, सॉरी कान पकड़ लो, टेक्स्ट डाल दो, टेक्स्ट के अंदर वो इमोटिकॉन डाल दो, कुछ भी डाल दो, उससे ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा प्रगाढ़ है ही नहीं।
बद्ध कर्म बंध के लिए थोड़ा अधिक कुछ करना पड़ता है, पश्चाताप, यहाँ हृदय में खेद होता है। निद्दत कर्म बंध के लिए थोड़ा और तप से गुजरना पड़ता है, 12 प्रकार के जो तप है उसमें से कोई भी तप, कोई भी कुछ ना कुछ होता है। और निकाचित कर्म बंध, इसमें तो फल भुगते बिना छुटकारा ही नहीं, इसलिए तुम कुछ भी करोगे तो भी कर्म का फल जैसा है, ठीक है उनमें फेरफार हो सकता है, लेकिन फिर भी फल को जीरो नहीं किया जा सकता। फेरफार होगा, बिल्कुल उपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा, बड़े नए शब्द आएंगे, लेकिन उसको भुगते बिना तो छुटकारा नहीं है। एक है कि हम बिल्कुल उड़ा ही दें उसको अपनी साधना से, वो इन तीन में हो सकता है, स्पृष्ट में, बद्ध में और निद्दत में, लेकिन निकाचित में भुगते बिना छुटकारा नहीं। प्रभु, 5 प्रकार के थॉट्स थे, नेगेटिव थॉट्स, हाँ वो फाइनली तो एलिवेटेड को तुमने साइड में डाल दिया, नेगेटिव थॉट, नेसेसरी थॉट, पॉजिटिव थॉट और वेस्ट थॉट्स, ये सारे थे। तो अब वेस्ट थॉट्स के अंदर भी शुभ अशुभ दोनों हो सकते हैं, वेस्ट थॉट्स में भी शुभ अशुभ दोनों हो सकते हैं, सोचो। हाँ, एलिवेटेड थॉट्स को तो इसलिए बाहर ही निकाल दिया हमने, डिपेंड करता है आपके एलिवेशन की क्या स्थिति है। एलिवेशन के अंदर कर्म बंध नहीं है, लेकिन एलिवेशन से जब वापस आए और थॉट कर रहे हैं तो वो जो प्रकार का थॉट है वैसा कर्म बंध तो लगेगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, वो जैसे ही वापस आता है अपने समाधि के भाव से, एनलाइटनमेंट के भाव से, जब वो वापस सांसारिक भाव में आता है और उसको करुणा आदि का जो भाव आता है, इसे किसी में भी नहीं डाल सकते, पॉजिटिव में नहीं डाल सकते, नेगेटिव में नहीं डाल सकते, वेस्ट में नहीं और नेसेसरी में भी नहीं, तो जो करुणा का भाव आ रहा है वो कुछ अलग ही जाति का कर्म बंद करेगा, अलग ही जाति का होगा, उत्कृष्ट शुभ निकाचित, लेकिन इसी के अंदर आएगा। इसलिए वेस्ट थॉट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। कल को उठ के कृति सोचे कि कितना अच्छा हो कि मैं यहाँ बैठ के सत्संग दूँ, कितना अच्छा हो। अब ये सत्संग देने को ही सोच रही है ना, तो शुभ सोच रही है कि नहीं, शुभ सोच रही है कि नहीं यहाँ पे बैठ के सर, लेकिन ये वेस्ट सोच रही है, लेकिन वेस्ट सोच शुभ के अंदर है। नेसेसरी सोच भी शुभ और अशुभ दोनों में हो सकती है, नेगेटिव थॉट भी शुभ अशुभ दोनों में हो सकते हैं, पॉजिटिव भी शुभ अशुभ दोनों में हो सकते हैं, एलिवेटेड थॉट्स केवल शुभ में होंगे। एलिवेटेड थॉट्स, एलिवेटेड स्टेट नहीं है वो, एलिवेटेड थॉट्स हैं। जब उस दशा से नीचे आता है जीव, तो जो करुणा का भाव, जो मध्यस्थता का भाव, जो मैत्री का भाव उसे आ रहा है, ये सब शुभ निकाचित के अंदर डालता है। बिल्कुल, जितने क्षण स्वभाव में रहा उतने क्षण निर्जरा, लेकिन जिस क्षण भाव में आ गया, जो भी विचार में, उस क्षण से वापस नया बंध शुरू। लेकिन वापस आगे जैसे ही दोबारा अपनी अनुभूति के अंदर गया, तो वापस सारा का सारा जो पूरा ढेर था कर्मों का वापस जला दिया। हम लोग उसको बहुत पहले समझते थे, वर्षों पहले, कि घास का एक तिनका पड़ा है और घास की पूरी एक ढेर पड़ा है, पूरा एक गट्ठर पड़ा है। अब एक तिनका लगाओ तो घास का एक वो भी जलेगा, और अगर ये इस पर एक तिनका खली गया अग्नि का, तो ये भी इकट्ठा जलेगा। तो कर्म बंध चाहे इतनी क्वांटिटी में है, चाहे इतनी क्वांटिटी में है, जिस क्षण आत्मा अनुभूति के अंदर जीव उतरता है, एक साथ जलते, उसको वो देखता भी नहीं कि 30 साल के कर्म है, कि 30,000 साल के हैं, कि 3 करोड़ साल के हैं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो एक आत्मा अनुभूति की चिंगारी गई और सारे कर्म खत्म। फिर बाहर आता है, तीव्र शुभ कर्म बांध लेता है, निकाचित रूप से भी बांधता है और पहले भी बांधता है, सारे बांधता है। निकाचित है वो भुगते बिना छुटकारा नहीं, इसलिए सत्संग देने आना पड़ता है, और जो बाकी अनिकाचित है वो तो सारे दूसरी अनुभूति के अंदर अपने आप जल के भस्म हो जाते। कुछ पाप कर्म होते हैं तो कान में दर्द होता रहता है, कॉम्बी फ्लेम खा के भी ठीक नहीं होता, तो वो 10 दिन तक रहता है, फिर सत्संग के दिन सब ठीक हो जाता है। तो साथ में जो लोग रहते हैं उन्हें लगता है एक्टिंग करते हो, तो तुम एक्टिंग समझो, लेकिन जो है वो है, यही है। कल तक दर्द था, आज सब कुछ ठीक हो गया, सुबह तक खांसी थी, किसी को डांटना हो तो भी तकलीफ हो रही थी, और अभी इतना कुछ बोलना है तो भी प्रभु कृपा है। ये निकाचित कर्म होता है ज्ञानी का, ये निकाचित के विक्षेप के बिना, अंतराय के बिना उसका कार्य खत्म होता है। शास्त्र एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ध्यान से सुनना। कोई भी कर्म
बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है जैन दर्शन की, कोई भी कर्म जब 6 महीने से ज्यादा तक उसकी हम समापना, आलोचना, निंदा, गरिया नहीं कर लेते, 6 महीने तक तुमने कुछ भी गलत किया तो 6 महीने के अंदर अंदर तक जब तक तुम उसकी आलोचना, निंदा, गरिया, समापना, प्रायश्चित, ये 5 थे ना, निंदा, आलोचना, निंदा, गरिया, प्रायश्चित और समापना, ये 5 जब तक तुम नहीं कर लेते तो होता क्या है, 6 महीने के अगले समय में, ध्यान से सुनना, 6 महीने के अगले समय में, यानी 1 सेकेंड ऊपर हुआ 6 महीने के, वो तुम्हारा कर्म मिथ्यात्व के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अब तुम सोचो कितना मिथ्यात्व हमारा प्रगाढ़ होगा, मिथ्यात्व, तुम्हारा अनंतानुबंधी कषाय जो है मिथ्यात्व में जाता कैसे, बचपन से तो समझ ही नहीं थी इस बात की, बचपन से इस बात की तुम्हें समझ ही नहीं थी कि गुस्सा किया तो उसकी 6 महीने के अंदर अंदर क्षमापना मांग लेनी चाहिए, झूठ बोला, चोरी की तो हमें उसकी 6 महीने में क्षमापना मांग लेनी चाहिए, बचपन से तो किसी ने समझाया नहीं था, तो तुम्हारा मिथ्यात्व 6-6 महीने में मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, अभी पूर्व जन्मों को साइड में रखो, पूर्व जन्मों की हम बात ही नहीं कर रहे, केवल इस जन्म की भी अगर तुम सोचो तो जब तक तुम्हें ऐसा कोई सद्गुरु सत्पुरुष नहीं मिलता जो तुम्हें समझाए क्षमापना की इंपॉर्टेंस, जो तुम्हें आलोचना, निंदा, गरिया के अंदर जबरदस्ती घुसेड़े, अवलोकन में तुम यही करते थे ना, बार बार आलोचना, बार बार अपनी निंदा, ये सब करते रहते थे, लिखते रहते थे, बहुत डायरियां तुमने भरी है उसके अंदर, तो वो क्या कराते क्या थे, हम तुम्हें तुम्हारे दोष दिखा रहे थे, आलोचना, उनकी निंदा कर रहे थे तुम लोग, गरिया भी होती थी उसकी, उसका पश्चाताप भी होता था, और क्षमापना के दिन हम क्षमापना भी करते थे और बीच बीच में भी क्षमापना हम लोग करते थे। 6 महीने तक, बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, 6 महीनों तक जिस पाप की क्षमा याचना नहीं होती, इसीलिए दिन का रात का प्रतिक्रमण दिया जाता है, देते हैं कि नहीं, मम्मी करते होंगे, देवसी प्रतिक्रमण, रायसी प्रतिक्रमण, और फिर दिन में जो पाप हुए उसको रात को प्रतिक्रमण करेंगे, रात को पाप हुए, तुम कहोगे रात को तो खाली सोए, उसमें कौन से पाप हुए, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है तुम्हारा, दो बार तो मिनिमम करनी चाहिए, मिनिमम, लेकिन मैं तो कहती हूँ रोज की कर लो, 2 बार तक याद किसको रहता है, रात को सोने जाओ उससे पहले कर डालो कि आज मेरे को, क्योंकि जो पाप हमारा क्षमापना, आलोचना, निंदा, गरिया या पश्चाताप, 5ों में से कोई भी एक रख लो, 5ों रहने दो, सदगुरु है ना तुम्हारे जीवन में तो थोड़े थोड़े तुम लोगों को बार्गेन्स मिल जाते हैं, कुछ भी कर लो 5 में से बार्गेन, तुमने बार्गेन के लिए ताली बजा रहे हो, अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर निकाचित कर्म है, अगर बार्गेन के लिए ताली बजा रहे हो तो इस पृष्ठ कर्म बंद है, अभी आएगा उदय में और अभी चला जाएगा, तो कुछ भी इन 5 में से हो जाता है, आलोचना, निंदा, गरिया, प्रायश्चित या क्षमापना, इन 5ों में से कुछ भी घटना 6 महीने के अंदर हो जाए तो वो मिथ्यात्व में ट्रांसफर नहीं होता, नहीं तो बाकी सारा मिथ्यात्व, तुम्हें कभी आत्मा का रस ही नहीं आएगा, आत्मा की बात सुनने में मजा ही नहीं आएगा, आत्मा का पुरुषार्थ करने में तुम्हारे को कोई रुचि ही नहीं होगी, ऐसी अपूर्वता ही नहीं लगेगी तुम्हें, लगेगा, और कितनों को लगता होगा कि ऐसा क्या होगा जो फ्राइडे संडे ये सारे भागते रहते हो, और तुम भागते हो उससे ज्यादा तो हम भाग रहे हैं आजकल, तुम तो फ्राइडे संडे सत्संग में भागते हो, मैं तो भी अगले फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे राजकोट में होंगी, उसके बाद कहीं और हूँ, तो तुम तो कम भाग रहे हो, मैं देख रही हूँ मैं ही ज़्यादा भाग रही हूँ, लेकिन जितना तुम्हें सुनने में अपूर्वता है ना, उससे ज़्यादा मुझे बोलने में अपूर्वता लगती है, ऐसा उल्लास ही रहता है अंदर में, उसका मजा ही अलग है। तो इस प्रकार तुम 6 महीने के अंदर, वापस बार बार ये बात मैं कह रही हूँ, महत्वपूर्ण यही है कि तुम रोज के पाप की रोज रात को निंदा, गरिया, क्षमापना कर लो, और रोज करो, मैं धीरे धीरे थोड़ा बार्गेन ले रही हूँ, उससे अच्छा जिस क्षण पाप हो ना उतने जागृत रहो ना, तुम्हें तत्क्षण पता चले कि अरे ये थोड़ा उत्तेजित होके बोला, हाँ ये थोड़ा सुर हमारा नीचे वाले सा के बदले ऊपर वाला सा था, तुम्हें तुरंत रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तुमको सा था ना, पर भाई तुम्हें भी पता है नीचे वाला सा नहीं था, ऊपर वाला सा था, सेम होते हैं ना, बोलने में तो दोनों ही सा बोले जाते हैं लेकिन दोनों का सुर अलग होता है ना, ऐसा तुमको पता चलना चाहिए तुरंत ही, इतनी जागृति आ जाए फिर तो तुम्हारे जो भी कर्म बंध है स्पृष्ट कर्म बंध, अशुभ वाले स्पृष्ट होंगे और शुभ वाले निद्धत या निकाचित के अंदर जाएंगे। प्रभु का प्रश्न है कि कुछ कर्म हमसे अज्ञान दशा में हो रहे हैं,
उनका स्मरण भी नहीं है, हमने जानबूझकर किए भी नहीं है। तो इसीलिए हम क्षमापना में बार बार ये बात कहते हैं कि जानबूझकर किए हो या अनजाने किए हो, जानते अजानते पाप की क्षमा लेते हैं ना, बार बार कहते हैं हम। इसलिए और वैसे भी मैंने इसका विज्ञान समझाया था कि तुम जानबूझकर किए हुए पापों की क्षमापना ले लोगे ना, तो अनजाने किए हुए पाप की क्षमापना अपने आप हो जाती है। इतने सरल पहले बनो कि जानबूझकर जो पाप किए हैं ना उनकी क्षमापना लो, इतने सरल बनो तो जो अनजाने में पाप हुए हैं ना वो अपने आप लेयर दर लेयर उनकी भी खत्म हो जाती। निकाचित में हाँ, फेरफार क्या होगा, उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी, उसका प्रदेश बदल सकता है और उसकी इंटेंसिटी बदल सकती है और उसकी स्थिति भी बदल सकती है, लेकिन प्रकृति नहीं बदलेगी। यानी जो आपको बुखार आना था वो आएगा ही आएगा, लेकिन वो 100 डिग्री बुखार में निपट लेगा, आपको कोई टाइफॉइड या मलेरिया या डेंगू नहीं होगा। सो जुकाम हुआ, बुखार आ गया, काम खत्म। यानी निकाचित कर्म भुगते बिना छुटकारा नहीं, मतलब बुखार का कर्म बांधा था, वेदनीय बांधा था, भुगते बिना छुटकारा नहीं, लेकिन हाँ हमने क्षमापना कर ली तो अब हम बाकी के तीनों में फेरफार कर सकते हैं। ठीक है, काफी कर्म निकाचित है। अभी आज के समय में आप यहाँ सत्संग में मेरे सामने बैठे हो ना, ये भी निकाचित शुभ कर्म का उदय है। निकाचित कर्म हमेशा खराब नहीं होते, मेरा गला बोलने के दिन एकदम ठीक हो जाता है तो ये निकाचित शुभ कर्म का उदय है मेरे। तो निकाचित कर्म को ओनली नेगेटिव सेंस में मत लो, वो अच्छे भी होते हैं। ये आप लोग जो भी समझ पाते हैं, जो भी सुन पाते हैं, सबके निकाचित कर्म का उदय है कि इतना सत्संग का योग तुम लोगों को मिल रहा है, ये निकाचित शुभ कर्म का उदय है। ठीक है ना, आज का टॉपिक तो था ज्ञानावरणीय कर्म कैसे बंधता है, ज्ञानावरणीय कर्म कैसे उदय में आता है और ज्ञानावरणीय कर्म को कैसे ठसेला जाता है, साइड किया जाता है, ये समझाना था, तीन बातें। लेकिन तुम लोग बहुत बातूनी हो गए हो, मतलब इतना कुछ समझने की जिज्ञासा रखते हो और अच्छा है। प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, नेचर ऑफ कर्मा, स्पेस, क्वांटिटी, उसके बाद ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, और उसके बाद हमने शुभ और अशुभ कर्म बंद के अंदर स्पृष्ट कर्म बंद, बद्ध, निद्दत और निकाचित, इतनी चीजें देखी। बोले प्रभु, निकाचित नहीं बनने देना, क्योंकि ये गलत मान्यता मत आने देना कि यदि देखो तुम खाते भी हो होटलों में जाके, रेस्टोरेंट में जाके, तो ये कहो कि हमें उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगता है, हमें वहाँ का डोसा अच्छा लगता है, हमें वहाँ का खाना अच्छा लगता है इसलिए हम वहाँ जाते हैं, और कहीं अच्छा नहीं मिलता इसलिए हम यहाँ जाते हैं, और तो ये ज़्यादा निकट है इसलिए हम जाते हैं। गिव द राइट कॉज, ये देना सीखो, क्यों जा रहे हो, तुम्हारी रस लोलुपता है इसलिए जा रहे हो, तुम थके हुए हो इसलिए खाना नहीं बनाना चाहते इसलिए तुम जा रहे हो, तुम थके हुए हो तो तुम ब्रेड बटर लेकर भी खा सकते हो, और गुजरातियों के घरों में तो खाखरा भी हमेशा पड़ा ही होता है तो वो खाखरा और चाय भी खा सकते हैं, लेकिन रस है तुम्हें वहाँ जाके डोसा और छोले पूरी खाने का इसलिए वहाँ जा रहे हो, और कहते क्या हो, थक गए ना इसलिए बाहर खाने, थक गए तो बाहर क्यों गए, तुम थक गए तो घर पर खा लो, कुछ सुबह की रोटी तो होगी उसके साथ खा लो। गिव अ राइट कॉज टू वॉट एवर यू आर डूइंग, मेरा को इतना ही कहना है, क्योंकि जो ही हम गलत कॉज देते हैं ना वो निकाचित कर्म बांधते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ, बात बहुत छोटी है लेकिन सावधान इसलिए कर रही हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, आज बस इतना ही। मूरत और अंतर मूरत में क्या फर्क है, शास्त्रीय शब्द है मूरत होता है 48 मिनट का, 48 मिनट्स, दो घड़ी यानी एक मूरत, मूरत बोलते हैं। उसके बाद आता है अंतर मूरत, अंतर मूरत यानी मूरत के अंदर अंदर का समय, मूरत कितना है 48 मिनट्स, अंतर मूरत यानी 48 मिनट से एक समय कम, एक समय को आप एक सेकेंड ले लो, एक सेकेंड कम, ये उत्कृष्ट अंतर मूरत है, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त 48 मिनट से एक सेकेंड कम, ये उत्कृष्ट मैक्सिमम अंतर मुहूर्त हो गया। ठीक है, फिर आता है जघन्य अंतर मुहूर्त, जघन्य मिनिमम अंतर मुहूर्त, तो 6 आवली, आवली इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 आवली टाइम से लेकर 48 मिनट में एक समय कम तक जो टाइम है वो जघन्य अंतर मुहूर्त है, और एक होता है मध्यम अंतर मुहूर्त। अब पूछा तो मैं सारा ही बताऊंगी, मध्यम अंतर मुहूर्त यानी 24 मिनट के ऊपर, 24 मिनट्स के ऊपर एक सेकंड चला जाए तो ये मध्यम अंतर मुहूर्त हो जाता है,
और केवल ज्ञान मध्यम अंतर्मुहूर्त में होता है, यानी जीव का उपयोग 24 मिनट के ऊपर एक मिनट एक सेकंड अपने में टिक जाए, 24 मिनट के ऊपर एक सेकंड अपने में टिक जाए तो जीव को केवल ज्ञान हो जाता है। 48, अरे एक सेकंड टिका तो हो सकता है 48 तक भी टिक जाए, 48 तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है ना, मिनिमम तो 24 मिनट के ऊपर एक समय टिक गया, मतलब ये मध्यम अंतर्मुहूर्त में आ गया और मध्यम अंतर्मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान का की उत्पत्ति का कार्य हो सकता है। अब वो टिक जाते हैं, ज़्यादा टिक जाता है तो वो 48 मिनट तक भी टिक जाता है, 48 मिनट तक टिक जाएगा तो भी बोला तो यही जाएगा ना कि केवल ज्ञान 48 मिनट के अंदर अंदर होता है, लेकिन कार्य होने की योग्यता 24वें मिनट के ऊपर एक समय जाता है तब से शुरू हो जाती है।